नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABPS क्लासेज पे। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब तक रिजल्ट डिक्लेयर करेगी एंट्रेंस वालों का, तो मैं आपको बता दूं कि वो दिन आज आ गया है। आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आज जो आपका रिजल्ट आएगा कितने बजे जारी होगा। तो पूरी अपडेट देखने के लिए बने रही वीडियो के लास्ट में, पूरी अपडेट आपको विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस रिजल्ट लेकर जो भी अपडेट है अपने चैनल से मिलते रहे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, आपका समय निवेश करते हैं, सीधे टॉपिक चलते हैं, पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने की शटिंग फ्लैग हुई होगी और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी प्रवेश प्रक्रिया और आपकी यहाँ पर रिजल्ट को लेकर भी संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी इस इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रमाणित न्यूज पेपर है, अमर उजाला पेपर है और इसमें आपको बताया गया है आपके रिजल्ट को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश की तैयारी में बैठे छात्र छात्राओं के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से दशहरा पर स्नातक प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम जारी किए जाने की तैयारियां कर ली गई हैं और रविवार को ये रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों, यहां पर आपको बताया जा रहा है कि रविवार को रिजल्ट आ सकता है और वहीं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज भी दशहरा वाले दिन अपनी वेबसाइट पर स्नातक प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम जारी करने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि परिणाम जारी होते ही इसी हफ्ता ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी, इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम 28 अक्टूबर तक जारी किए जाने और 27 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाने की तैयारियां हैं। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुरूप 1 नवंबर से नया सत्र शुरू कर पाना मुश्किल होगा और संगठक कॉलेजों में नया सत्र शुरू करने और देर होगी, क्योंकि वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश में शुरू होने के 4-5 दिन बाद से ही ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरी ओर ECC ने अपने प्रवेश परीक्षाओं के अलग से आयोजित की थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन भी प्रवेश का कार्यक्रम जारी कर चुका, जिसके अनुसार स्नातक प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम 25 अक्टूबर को जारी किया जाएगा और 26 अक्टूबर को प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल के आ रही थी। काफी दिनों से आप परेशान थे कि डेट टू डेट आपको मिलती जा रही है लेकिन आपके रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो रहे। तो मैंने आपको कल की वीडियो की परसों की वीडियो मैंने आपको बताया था कि अब आपके जो 25 से आपको 28 के बीच में आने थे वो आपको डेट नहीं आगे बढ़ने वाली है, मैं आपको भरोसा दिलाया था। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आज ही के डेट में आपको यहाँ पर परिणाम देखने को मिल जाएगी और 26 अक्टूबर से आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। वहीं आपकी बात करें परास्नातक की अभ्यर्थियों की पूरी सूची 25 अक्टूबर को महाविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी और परास्नातक में प्रवेश के लिए काफ़ी कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, इसलिए प्रवेश जो है 27 अक्टूबर को ऑफलाइन मोड में सीधे साक्षात्कार के माध्यम से लिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपके परिणाम आज जारी होंगे वो लगभग कितनी बजे आप लोगों के परिणाम आ सकते हैं, आपको बता दें कि 12 से लेकर आपके 4 बजे के बीच तक, ठीक है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बीच तक आपके जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और दोस्तों, आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट देंगे रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट आएगी। तो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।